नमस्कार, मैं हूं दीप्ति पाल। देख रहे हैं आप टीवी 24 नेटवर्क। आज के मौसम में हर इंसान परेशान है गर्मी को लेकर के। गर्मी का मौसम यानी पसीना, आलस, दिन भर सुस्ती, खाने पीने का मन ना करना और पानी से खास लगाव हो जाना। जी हाँ, इसके अलावा सेहत से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं तो इन दिनों में बेहद आम बात है। इन सभी से बचने के लिए जरूरी है चुस्ती फुर्ती बनाए रखना और अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव भी लाना। ऐसे ही कुछ जरूरी टिप्स जो गर्मी में परेशानियों से आपको देते हैं राहत। इस गर्मी में हम क्या ऐसे उपाय करें कि हमें कुछ राहत मिले, आपको मैं बताऊंगी। गर्मी में ठंडक के लिए 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं जिनको फॉलो करके आप गर्मी में पा सकते हैं राहत। सबसे पहले आपको क्या है, पहला नंबर टिप्स है जो धूप से सुरक्षा। जी हाँ, गर्मी में सबसे महत्वपूर्ण और पहला टिप्स यही है कि आप जब भी धूप में निकले उस वक्त अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। सुबह 10 से शाम 4 बजे की धूप में जाने से बचें। अगर बाहर जाना बहुत ही जरूरी है तो अपने शरीर को पूरी तरह से कवर्ड कर लें, ढक लें, ढक करके चलने की कोशिश करें। अपने खान पान में कच्चे प्याज का इस्तेमाल करें, उसे आदत में लाएं या उसे साथ में रख करके बाहर निकलें। कैप, सनग्लासेस और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। सेकेंड नंबर पे पेय पदार्थ ज़्यादा लें। गर्मी के मौसम में ठोस आहार की बजाय अगर आप लिक्विड पदार्थ जैसे ठंडा पानी, नींबू शिकंजी, शरबत, कैरी का पना या फलों का रस, छाछ, लस्सी ज़्यादा मात्रा में लें, इससे शरीर में तरावट बनी रहेगी और ठंडक महसूस होगी, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर भी बना रहेगा। तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है, हल्के फुल्के सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें। गर्मी में ठंडा महसूस करने के लिए आप हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें। हल्के रंग आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं। इस मौसम में कॉटन, शिफॉन, जॉर्जेट, क्रेप जैसे पतले और हल्के कपड़े पहनने चाहिए जिसमें हवा आसानी से आ जा सके। चौथे नंबर पे हमें ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने में ठंडी या तासीर ठंडी देने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि गर्मी के बुरे प्रभावों से बचने के लिए ठंडी तासीर के खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि बेल का शरबत, कैरी का पना, पहले भी बता चुकी हूँ, आंवला, कच्चे प्याज को भोजन में जरूर शामिल करें। खाद्य पदार्थ को गर्म ठंड के आधार पर नहीं बल्कि उनकी तासीर के आधार पर पहचानें। जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और बर्फ का गोला ठंडे होने के बावजूद भी शरीर की गर्मी को बढ़ाता है, तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है कि ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन करने से हमें उनकी तासीर यानी कि ठंडक प्राप्त होती है। पांचवें नंबर पे आपको ध्यान रखना है, शारीरिक श्रम करें कम, यानी कि जो हम वर्कआउट कर रहे हैं उसे थोड़ा कम करें। कैसे? गर्मियों में बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम से पसीने के रूप में पानी और मिनरल्स अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो जाते हैं, इससे शरीर में पानी और खनिज लवणों की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में चयापचय दरें हमारी जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। छठे नंबर पे ताज़ा और सुपाच्य भोजन लें। जी हाँ, हल्का, ताज़ा और जल्दी पचने वाला भोजन गर्मियों में हमें खाना चाहिए। भूख से कम खाना खाएं, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। रसीले फल जैसे कि तरबूज है, आम है, अंगूर, खरबूजा, नारियल पानी आदि से भी आपका पेट भर सकता है और ये शरीर में पानी की ज़रूरत को भी पूरा करता है। इस प्रकार से जो भी आप भोजन कर रहे हैं वह ताज़ा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, पचने वाला होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सातवें नंबर पे नींद पूरी करें। गर्मियों में अगर आपकी नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं पूरी होती है या गहरी नींद नहीं हो पाती है, इससे बॉडी में थकान बनी रहती है जो कि अनावश्यक चिड़चिड़ाहट शरीर को पैदा करती है। इसलिए जब भी आराम की जरूरत महसूस हो सारे कामों को छोड़ करके आराम जरूर करें, पूरी नींद लें। आठवें नंबर पे व्यायाम पर ध्यान दें। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी और उमस में किया गया थोड़ा सा भी वर्कआउट शरीर को थका देता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एक्सरसाइज करना छोड़ दें। आपको कोशिश करनी है कि डेली थोड़ा सा योगा करना है, सुबह शाम वॉकिंग करनी है, अपनी लाइफ रूटीन में इन चीज़ों को मेंटेन करना है। इस तरीके करने से व्यायाम की पूर्ति की जा सकती है और गर्मी से भी बचा जा सकता है। नौवें नंबर पर अपनी प्रकृति से ठंडक लें। इसे कैसे ले सकते हैं? प्रकृति से ठंडक लेने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठें एवं शाम को वॉकिंग करते हुए प्रकृति की ठंडक को महसूस कर सकते हैं।
पौधों को पानी दें, पौधों को पानी पिलाएंगे, हरी घास पर नंगे पैर चलेंगे या रंग बिरंगे फूलों को देखकर और शुद्ध खुली हवा में गहरी सांस लें। इसके अलावा गर्मी में प्राकृतिक स्थान पर घूमने जरूर जाएं। एक बार ऐसा टाइम अपना सेट करें कि जो भी हमारे देश में ठंडी जगह है उन पर घूमने का प्लान जरूर बनाएं फैमिली के साथ। इससे क्या होगा कि आप अपने शरीर में हो रही गर्मी को राहत दिला सकते हैं और मन को तरोताजा रख सकते हैं। सबसे अंत में अब मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप गर्मी में कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो ठंडा पदार्थ पी करके ही निकलें और घर आने के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोना बिल्कुल ना भूलें या फिर त्वचा पर बर्फ की मसाज भी कर सकते हैं। इससे आप काफ़ी हद तक ताज़ा महसूस करेंगे, गर्मी से राहत पाएंगे। फिलहाल टीवी 24 नेटवर्क के सेट पर आज इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप गर्मी में अपनी सेहत का ख्याल रखें हमारे दिए गए टिप्स के अनुसार। थैंक यू।